बहुत ज्यादा मजाकिया है। उसने एक मिनट में उठा दिया हमें, जबकि वो उन्हें जानते तक नहीं। क्या तुम उन्हें जानते हो? जानते तो होगे तुम। बहुत ज्यादा नहीं, वो हमारी कंपनी में काम करती है, अच्छी लड़कियाँ हैं। वो पसंद है? अच्छा, जलन हो रही तुम्हें? हाँ? नहीं तो, मेरा मतलब जब कोई ऐसी बात ही नहीं है तो क्यों जलूंगी मैं? देखो डॉक्टर, तुम रोज अपने पुराने मंगेतर के साथ काम करती हो, कभी कुछ कहा मैंने? वो अब भी तुम्हारा दावेदार है ना? तुम्हारी भी तो एक दावेदार है। देखो आ गई है वो। कौन? वो दानिया? अरे नहीं यार। तुम इनकार कर सकते हो, अब ये मत कहना कि वो लड़की पसंद नहीं करती तुम्हें। यार इसकी मैंने कभी सोचा नहीं। की तुमसे मिलने के बाद मैंने किसी लड़की के बारे में नहीं सोचा। क्या सच में? बिल्कुल सच। इसके अलावा कुछ और चाहिए? नहीं, बहुत शुक्रिया। चलो भाई, वापस काम की बात पर आते हैं। तो मोहब्बत बढ़ाने के लिए हमें एक दूसरे से थोड़ा फासला रखना होगा। तो तुम कह रही हो कि अपने रिश्ते को मजबूत रखने के लिए मुझे उससे दूर रहना है। क्या ऐसा भी कहा मैंने? हाँ, तुम्ही ने तो कहा था थोड़ी देर पहले, तुम्ही तो कह रही थी। अच्छा ठीक, मेरी बात का जवाब दो। अगर हम चाहें कि हमारी मोहब्बत कभी खत्म ही ना हो तो हा? क्या करें हम? तुम्हारी दादी होती तो क्या कहती? मेरी दादी कहती है कि उससे प्यार करो, मगर सच्चा प्यार वो है जो दूर रहकर किया जाए। लेकिन कैसे? यार जाहिर सी बात है, अगर दूर जाओगी तो प्यार बढ़ता रहेगा। अरे यार, ऐसे प्यार का फायदा ही क्या जो उससे उसे दूर कर दे। वो सब मुझे नहीं पता, दादी को मालूम होगा। उन्होंने मेरे दादा को 5 साल तक तरसाया था और उसके बाद शादी की, और आज तक दोनों बहुत ही खुश हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, माशाल्लाह। अच्छा तो यूं हो जाए तो फिर 5 साल तो बहुत ज्यादा है, कुछ कम करके बताओ कि कितने। मैं कैसे बता सकती हूँ ये, अब वक्त बदल चुका है। देखो मैं अपने ऑप्शंस अपने तक ही रखती हूँ, और वैसे भी आप लोगों को सच्चा प्यार कभी नहीं मिलेगा, बस ऐसे ही एक दूसरे के बॉयफ्रेंड्स के साथ घूमा फिरा करें। क्यों, सही कह रही हो ना? हाँ बिल्कुल। क्या मतलब? हम दोनों एक दूसरे के बॉयफ्रेंड्स के साथ बाहर जाते हैं? हाँ बिल्कुल, वो बुरा लड़का, हमने उसका नाम आशिक रखा है। लड़की, वो मेरा भाई है और जश्न का मंगेतर है। क्या? हाय हाय मिस डेफने, मिस यशम, हमने आप पर गलत इल्जाम लगा दिया, आपकी मम्मी हो चुकी है। कोई बात नहीं, हाय कोई बात नहीं। उठाओ यशम, उठाओ यशम, गाड़ी भी तभी दे पाऊंगा ना जब फोन उठाओगी। तुम्हें हुआ क्या जो तुम मेरी लाइन काट रही हो? इसने तो शादी से पहले ही मुझे इतनी बुरी तरह इग्नोर करना शुरू कर दिया है। भाई यशम फोन नहीं उठा रही है, मैं उसके ऑफिस जा रहा हूँ। यशम को छोड़ो तुम, दफ्तर पहुंचो जल्दी। भाई सब कुछ ठीक तो है ना, कोई मसला है क्या? हाँ मसला हो क्या है? रूसी कंपनी ने शिकायत कर दी है सातिर की वजह से। क्या? जालन आ गया? हाँ ये तो वाकई में आ गया। तो क्या प्लान था हमारा कि मैंने खुद पर कंट्रोल रखना है, याद रहेगा मुझे। क्या तुम उन्हें हेलो भी नहीं बोलोगी यार? अगर हेलो कहने के बाद मैं कंट्रोल नहीं कर सकी और मैंने उसे अपने गले से ही लगा लिया तो क्या होगा? हाँ
डेफने। देखो अगर मैं बात नहीं करती रहूं और चुप ना हो तो मुझे रोक लेना तुम। अरे नहीं, तुम सब कुछ कर सकती हो। अब इतनी सख्ती भी ना दिखाओ, वहाँ जाओ, हाय हेलो करो, हाँ। थोड़ी सी बात करो, फिर अपने ऑफिस चले जाओ। उसके बाद देखना भी नहीं उनकी तरफ। क्या लगता है तुम्हें कि क्या मैं ये कर सकती हूँ या नहीं? हाँ मेरी जान तुम कर सकती हो, तुम मेरी जान सब कुछ कर सकती हो, बस अपने आप पर यकीन रखना। जैसे तुमसे कह रहा हूँ यार, मैं चुप कैसे रहूंगी उसके सामने यशम। हाय, हम जानते हैं तुम्हारा चुप रहना मुश्किल है, लेकिन हमें तुम पर यकीन है। क्यों लड़कियों? बिल्कुल। गुड मॉर्निंग। किसी सुकून वाली जगह पर बैठकर बात करते हैं। अभी मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। डेफने, सीरियस हूँ, बहुत सीरियस। गुस्सा मत दिलाओ, सिर्फ बात करनी है, प्लीज। प्यार से कह रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ नहीं कहना था तो मेरे ऑफिस में घुसकर इस्तीफा फाड़ने की क्या जरूरत थी, बताओ ना मुझे। क्योंकि मेरी मर्जी। डेफने, मैं तुम्हें देखो, डेफने समझो, तुम्हें गुस्सा आया और मुझे छोड़ दिया, मगर दिल से नहीं छोड़ा। हे, मेरी फैमिली के लोग आसानी से छोड़ते नहीं है, लेकिन खुद पर काबू रखते हैं। वाओ। ठीक है, तो ये बात है, अगर तुम इतनी जिद्दी हो तो मैं तुम्हारी जिद खत्म करके रहूंगा। डेफने, अगर फ्री हो तो ये मॉड्यूल चेक कर लोगी प्लीज? मैंने पाइथन के साथ कोडिंग की है मगर प्रोग्राम चल नहीं रहा। पर कुछ कोड एरर था बस, और ये हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच। दानिया बाहर जाओ। यालम सर, मैं और डेफने थोड़ा कुछ जरूरी काम कर रहे हैं। बाद में कर लेना काम, जाओ। कोई बेवकूफ लड़की हो इंतहाई। चलो बताओ, प्लान क्या है तुम्हारा? कोई प्लान नहीं है। डेफने यार, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, यालन बहुत सारे काम करने हैं मुझे। जब तक बात नहीं हो जाएगी मैं नहीं जाऊंगा, समझी? चलो लड़की, अब बताओ मुझे, इस्तीफा क्यों फाड़ा था तुमने? यालन, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। जब तक नहीं बताओगी मैं यहीं बैठा रहूंगा। जो चाहे करो। ऐसा ना हो के यहीं बैठकर तुम्हारे सामने हाथ जोड़ने पड़े ताकि तुम कुछ बात करो। जानती हो जिंदगी बहुत अजीब है। डेफने बरूची खामोश है, वाह। मेरा ख्याल है आपको डेफने के कमरे में आके देखना चाहिए,
यालिन साहब वहीं पर हैं और डेफ ने उनकी वजह से परेशान हो रही है। बस करो, तुम जानती हो ना किस तरह तुम जीत नहीं सकते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो बोलो। डेफने, इस्तीफा क्यों फाड़ा था तुमने? चलो जवाब दो मुझे। डेफने मेरी जान, क्यों खामोश हो तुम? मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूं, तुम्हारा बोलना मिस कर रहा हूं। अप 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 अप। बहुत ज्यादा यार। हाँ। डेफने, वो मुझे इससे कुछ बात करनी थी, बहुत जरूरी बात थी, अभी करनी है। क्या बात थी? एसगी की। हाँ, एसगी की बात थी। कुछ टिप्स लेनी है तुमसे, है ना? हाँ बिल्कुल सही कहा, टिप्स लेनी है। थोड़ी देर तो रुक जाए मामा। भाई हुआ क्या है? किसी ने जहाज की शिकायत की थी, नेवी की बोट्स ने उसे समंदर में रोक लिया। जाहिर है उसमें ऐसा वैसा कुछ नहीं था, मगर ये इत्तेफाक नहीं था। वाकई कुछ नहीं था, उसका इशारा था। मुझे भी यही लगता है। सातिर जलाल के अलावा कोई नहीं हो सकता। सातिर की कॉल है। क्या तुमने मुझे अपनी बकवास सुनाने के लिए फोन किया है? ऐसे बात मत करो तुफैल, मैंने बस दोस्त के तौर पर बताने के लिए कॉल की है तुम्हें। हो सकता अगली बार क्लीन चिट ना मिले। समझ तो गए होगे तुम, मैं तुम्हारी धमकियों में नहीं आऊंगा। सातिर, तुम जो कुछ भी करना चाहते हो कर लो। क्या बकवास कर रहा था ये जलाल? यही कि अगली बार जहाज में से कुछ भी निकल सकता है। इसके भेजे में गोली उतार के ही सुकून आएगा। ऐसा कुछ नहीं करना, आराम से। क्या आराम से भाई, उसका एतमाद देखा साफ जाहिर है वो कुछ करेगा, उससे पहले ही उसका कुछ करना होगा। मैं जानता हूं हमें यहां की सिक्योरिटी बढ़ानी होगी, हो सकता है अंदर से कोई मिला हुआ हो। और नहीं, मैं करूंगा इसे खत्म, उससे पहले मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं आएगा। रुक जाओ, कहां जा रहे हो? आखिर कैसे खत्म करोगे तुम इसे? इंतजार करें बैठ के। अगर हम वहां की सिक्योरिटी बढ़ा भी देते हैं, कोई काली भेड़ हुई तो कोई सबूत नहीं। हो सकता है वो हुक्म का इंतजार कर रहे हो, तो भाई उस वक्त तक क्या करें? हाँ इंतजार करें बैठ के। तुम क्या करोगे वहां जाकर? बैठ जाओ सेनान, फिक्र ना करो मेरे भाई, मैं देख लूंगा उसे। कैसे बनाया है? बहुत अच्छा मेरी जान, ये वाला कर लिया है आपने, तो अब ये वाला करना है। हाय, तुम कितनी अच्छी पेंसिल पकड़ते हो। जब मेरे बाबा घर आ जाएंगे तो मैं उन्हें भी दिखाऊंगा ये। जरूर दिखाना मेरी जान, जरूर दिखाना। अल्लाह उसे कुछ ना होने देना, प्लीज कुछ ना होने देना। ओफो, क्या हो रहा है लड़की, तुम खुद से क्यों बातें कर रही हो?
दादी जान, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। क्या हो गया बताओ? पता नहीं, मगर दादी जान, आप तो सातिर जलाल को ज्यादा जानती है ना, वो उन दोनों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। वो क्या कर लेगा, अगर उसे कुछ करना होता तो बहुत पहले कर लेता हो। वो तो है, मगर सब तो यही बातें करते हैं। उफ, सब हबीबे की वजह से हुआ। वो लड़की सिनान के साथ अल्फी की तरह चिपक गई है, और हम उसके बाप को यहाँ पर भुगत रहे हैं। अरे भाभी जान, देखो तो जरा, मैंने डिजर्ट बनाया है तुफैल भाई की पसंद का। तुम तो वाकई बहुत बड़ी मुसीबत हो। अरे जाने दो, वो तुम्हें मुंह नहीं लगाता और फिर भी तुम यहीं पर पड़ी हुई हो। सिनान मुझसे मोहब्बत करता है। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, सुना तुमने? बस अब बहुत हो गया, लड़की तुम में जरा सी भी शर्म नहीं? अपना बोरिया बिस्तर समेटो और जहेज भी, और जितना जल्दी हो सके जाओ अपने बाप के पास। चलो बात सुनो, तुम मेरे मेहमान को ऐसे नहीं निकाल सकती। निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। इसका बाप तुफैल और सिनान के साथ पता नहीं क्या करते, सोच सोच के दिमाग खराब हो गया है मेरा। हाँ कान खोल के सुन। मेरे लिए आप बहस मत करे दादी जान, मैं जा रही हूँ, कहीं गुस्से के मारे इसकी सांस न फूल जाए। वैसे तो बहुत शर्म की बात है, लेकिन क्या करूँ, मैं हूँ ही इतनी समझदार। तुम्हें बात करने की तमीज बिल्कुल नहीं है, बेचारी को तकरीबन निकाल ही दिया था। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं उसे निकाल चुकी हूँ परवीन सुल्ताना, साफ कह रही हूँ, मेरे मुँह कोई ना लगे बिल्कुल, गुस्से से दिमाग फट जाएगा मेरा, अल्लाह माफ करे मुझे। हम पागल हो गए ये तो। सिनान, घर वालों को कुछ नहीं बताना, लैला पहले ही डरी हुई है। तो उसके अलावा उन्हें क्या बताएंगे? हाँ, और वैसे भी कल सातिर की धमकी तो सुन ही लिया ना। वक्त आ गया है इस घर को अलविदा कहने का। अलविदा मेरे सिनान के भाई के घर। अलविदा, मुझे भूल मत जाना, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। लेकिन मेरी भी कोई इज्जत है, जहां मेरी इज्जत ना हो मैं वहां नहीं रह सकती। अलविदा। बाहर कौन गया? हबीबे चली गई। कहाँ चली गई, कैसे गई? अपना सामान बांधा और घर छोड़ के चली गई। पूछा कि वो कैसे गई तो आपको बता दूं कि बड़े ड्रामे करके गई है वो। कहना पड़ेगा कि एक नंबर की ड्रामेबाज है वो, आखिर आप पर जो चली गई है। सबसे कहेंगे सातिर वापस चला गया, कम अज कम थोड़ी परेशानी तो कम होगी। मुझे नहीं लगता, अगर आपको लगता है कितना आसान है भाई तो आप कोशिश कर लें। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो मेरे भाई, उस कमीने को तो मैं खुद देख लूंगा। तुफैल, हबीबे घर से भाग गई। कहां चली गई और अब किसके लिए भाग गई? भाग गई का क्या मतलब? अभी तो गई है, तुमने नहीं देखा जाते हुए? क्या मुसीबत है, तुम जाके उधर देखो, मैं इस तरफ देखता हूँ। भाई मैं क्यों जाऊं, मेरी बला से वो कहीं भी जाए। फजूल बातें मत करो, आधी रात को कहां जाएगी वो? अब क्यों ढूंढे उसे हम, अच्छी बात है ना, चली गई वो यहाँ से। घर आ जाए तो मसला, भाग जाए तो मसला, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है यहाँ पर, हद हो गई है यार। माशाल्लाह, मैं तो घर से भागने में माहिर हो गई हूँ। चलो यहाँ चलते हैं। ये सब क्या है? डेफने, मैं भाग के तुम्हारे पास आई हूँ। क्या क्या मतलब है कि भाग कर आ गई? हाय, ये भी मेरा ही घर है, मेरा प्यारा सा घर, इतनी खुशी हो रही है मुझे। या अल्लाह, इसको दफनाया क्यों नहीं अभी तक?
हबीबे पता नहीं कहां मर गए ये जाकर। नहीं है, कहीं भी नहीं है। पता नहीं कहां जा सकती है इतनी रात को। तुफैल कुछ पता चला कहां गई हबीबे? नहीं पता चला दादी जान, नहीं पता चला, इंशाल्लाह पता चलेगा भी नहीं। सिनान! हबीबे तुम भागी क्यों नहीं यहां से? हाँ भाग के डेफने के घर आ गई थी। अब तुम्हें मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी बहन के घर हूँ। देखो तो जरा मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ ना। मैं आखिरी बार बता रहा हूँ आपको भाई, मेरी बर्दाश्त से हो रही है बाहर, अगर ये मेरे हाथ लग गई जान से मार दूंगा इसको मैं। अच्छा अच्छा जज्बाती मत हो हबीबे, चलो अंदर जाओ। लैला दादी जान आप दोनों भी अंदर जाए, रोजाना इस घर में कोई ना कोई तमाशा होता रहता है। तुफैल भाई, सनान, शब्बख़ैर। सुबह सुबह मैं आप लोगों के लिए नाश्ता बनाऊंगी अपने प्यारे प्यारे हाथों से। भाई मुझे मारने दे से भाई, मैं बता रहा हूँ ये मर गई ना तो हम सबको सुकून आ जाएगा, इस दुनिया पे से बोझ कम हो जाएगा, और इतने दिन से जो मैं सुकून से सोया नहीं हूँ तो मैं भी सुकून से सो पाऊंगा। चले जाओ, क्या हो गया? जाओ यहां से, चलो। सर का दर्द बनने लग गए हो तो मेरे से ना। मगर मैं तो तुम्हारा सुकून हूं तुफैल। वो शायर कहता है ना, उनसे नजरें मिले इस तरह की मोहब्बत की बात हो जाए, वो हंस कर देख लें अगर तो मुश्किलें भी राहत हो जाएं। अब फोन भी बन जा रहा है लड़की का, क्या बोलूं मैं इस लड़की को, समझ नहीं आता, ऐसे ही चलता रहेगा। सुबह उठकर गुड मॉर्निंग का मैसेज करो और रात में गुड नाइट का मैसेज करो, और पूरे दिन में तुम थोड़ी थोड़ी देर बाद ना हाल चाल पूछते रहना, ठीक है? मैं पूरा दिन उससे क्या बातें करूं? देखो मेरी जान, एक लड़की को तुम्हारी छोटी सी छोटी गलती भी ना जिंदगी भर याद रह सकती है, मगर अच्छी बात यह है कि वो अगले ही घंटे में भूल भी सकती है, इसलिए हर थोड़ी देर बाद उसका हाल चाल पूछते रहो, उसको अच्छा महसूस होगा ना, और ऐसे वो तुम्हारी गलतियाँ भी याद नहीं रखेगी बल्कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी अच्छाइयाँ याद रखेगी। वाह, तुम तो लड़कियों की रहनुमा निकली, क्या बात है? क्या मतलब है कि लड़कियों की रहनुमा निकली यार? हाँ ये कैसी बात है? अजीबो, तुम मुझे प्यार का डॉक्टर बोलो तो समझ में भी आता है, अजीब सी बातें करते हो। मैसेज करूं? क्या मैसेज करूं? अब ये सब कुछ छोड़ो मेरी जान और जल्दी से मैसेज करो, प्यार भरा रोमांटिक सा मैसेज करना तुम उसे, जल्दी से करो। मतलब कुछ ज्यादा हो जाएगा याशिम, यार देखो हम अब तक अपनी डेट पे भी नहीं गए, कोई और आइडिया दो मुझे। नहीं मेरी जान, तुम्हें यही लिखना है, लड़कियाँ पहली नजर की मोहब्बत पर यकीन रखती हैं, और तुम्हें तो एस्की से पहले ही नजर में मोहब्बत हो गई थी। वो मानता हूँ अच्छी लगती है मुझे, लेकिन प्यार नहीं करता अभी। झूठ मत बोलो, प्यार करते हो तुम उससे, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, समझे? तुम अभी मेरे शागिर्द हो, याद रखो। ठीक है उस्ताद, जैसा आपका हुक्म। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर उसे मैसेज करो जल्दी से। क्या तुम ड्यूटी पर हो? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है यार। मूड अच्छा लग रहा है तुम्हारा, मगर मेरे पास एक बुरी खबर है। खैरियत तो है? लिस्ट लग चुकी है, तुम्हारी आज डबल शिफ्ट है। उफ यार। अभी लिस्ट आई है, आज शाम भी मेरी ड्यूटी है। आज भी हॉस्पिटल में ही, लगता है हम नहीं जा पाएंगे। यार ये क्या बात हुई, आज तो हफ्ता है यार, मतलब डेट पे जाने के लिए परफेक्ट दिन है। हाँ, चलो सोचते हैं कोई हल निकालते हैं इसका, सोचती हूँ यार कुछ ना कुछ। आइडिया,
चलो चलो, खड़े हो जल्दी, खड़े हो ना जल्दी, तैयार हो जाओ और हम चलते हैं फिर शॉपिंग के लिए। कहाँ? दानिश के मसले का हल ढूंढने जा रहे हैं, हम लोग अभी आते हैं, इंतजार करना हमारा। तुम यहीं खड़ी रहना, कहीं जाना नहीं है तुमने, मैं बस यशिम को लेकर आता हूं। सलाम दादा जान, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम सिद्धार्थ। कैसी हैं? ठीक हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा। यशिम कहाँ है? पूल के पास। अच्छा ठीक है, मैं खुद चला जाता हूँ उसके पास, मिलता हूँ आपसे। तुम यहाँ? यार यशिम कहाँ गई? मेफ्तून आपा ने कहा था कि वो यहाँ है। वो अभी अभी दानिश के साथ निकली है, दानिश का कोई मसला सुलझाने। बस जाते हुए मुझे इतना ही बताकर गया, तो ज्यादा पता नहीं मुझे। सुनान, अभी अभी यशिम दानिश के साथ बाहर चली गई। या अल्लाह, आपा पानी वगैरह पिला दें, सुनान को थका हुआ लग रहा है। कॉल करूंगी। हाँ। अरे कॉलर आईडी छुपा कर करूंगी। बात सुनो रिफ्की, वो मोबाइल फोन मैंने तुम्हें अमानत के तौर पे दिया था, वापस करो। ला दे दो ना मुझे। हाँ? चलो सिर्फ एक ही कॉल करूंगी मैं। तुम ठीक हो अपनी जगह पर, मैं उसकी आवाज सुने बगैर ही फोन काट दूंगी, ये सही रहेगा। मैं चाहे जितना भी इसरार करूं तुमसे, तुम मुझे ये टेलीफोन मत देना। मेरा क्या पता मैं उसके प्यार में कुछ भी कर गुजरूं, अगर मोबाइल फोन मेरे हाथ में आ गया तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं उसे पहली फुर्सत में कॉल मिला लूंगी। बेहतर होगा कि मैं अपना मुंह इस तरफ रखूं ताकि मेरी आंखें फोन देखे भी नहीं। क्या होता जा रहा है ये मुझे? नहीं, मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं क्यों जाऊंगी उसके पीछे भला? पीछे नहीं हटूंगी, उसे समझाऊंगी। एक बार प्यार हो जाए तो फिर कभी खत्म नहीं हो सकता है। एक आइडिया है, ये सारी बातें मैं उसे अगवा करके समझाऊंगी। देखो तो जरा, मैंने तुम्हारे लिए मछली और रोटी बनाई है। अरे अल्लाह, कितनी अच्छी हूँ ना मैं। हाय माशाल्लाह, तुम कितनी अच्छी हो, मुझे इतनी ज्यादा भूख लगी थी। मगर तुम्हें एक बात नहीं पता है। क्या कह रही हो, मुझे सब पता है। नहीं पता, मैं समझाती हूँ, बात सुनो। जो हालत मेरी है उस हालत में इंसान को कुछ मीठा खाना चाहिए, चॉकलेट आइसक्रीम वगैरह। डिप्रेशन का बेस्ट सोल्यूशन है कि आप कुछ मीठा खाए, उससे मूड अच्छा रहता है। ये डेफिनेशन क्या होता है? इसका मतलब है कि समझाती हूँ, मेरी तरफ देखो, मैं जो तुम्हें इतनी दुखी नजर आ रही हूँ ना, यही डिप्रेशन है। तुम डिप्रेशन में हो तभी से अकेले में बातें करती हो क्या?
हाँ बिल्कुल सही समझी। मैं जब भी डिप्रेशन में होती हूँ ना, अपने दिल की सारी बातें रिफ्की से कह देती हूँ। खैर छोड़ो ये सब। मेरे अंदाजे में हमें इन बातों में अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए बिल्कुल। क्यों ना तुम किचन में जाकर मेरे लिए कुछ मीठा बना कर लाओ, कुछ ऐसा जो कि क्रिस्पी भी हो और मीठा भी हो। जाओ ना। बिल्कुल समझ गई हूँ मैं अभी तुम्हारे लिए गर्मा गर्म हलवा बना कर लेकर आती हूँ, ठीक है? बिल्कुल सही समझी, चलो जाओ। क्या करूंगी अब मैं आगे आरिफ की, क्या करूं मैं? टेलीफोन कर लेती हूं मैं। मैं सोच रही थी एक कॉल कर लूं। इजाजत है? वो उठाएगा, मैं काट दूंगी। हेलो बोल कर काट दूंगी। नहीं तो नहीं, मैं सिखा। अच्छा यशम, कि मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूं, वरना मैं तो समझता कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। मुझे लग रहा है मैं पागल हो गया हूं, डेफने की तरह खुद से बातें कर रहा हूं। चुप हो जाओ यार सुनोन, मैं डेफने की तरह पागल नहीं होना चाहता। अराज, हाँ? अगर मैं यहां कुछ देर और बैठा रहा तो पक्का डेफने की तरह बन जाऊंगा मैं यार। क्या मतलब? चलो अराज, हम दोनों अगर कहीं बाहर बैठकर बात कर ले तो कोई मसला है? हाँ ठीक है, चलो। हाँ चलो यार, ठीक है। हाँ चलो चलो, जल्दी करो। आपका मतलब का नंबर फिलहाल बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। कसम से यार, मैं इस फोन को। अरे क्या हो गया यार, गुस्सा नहीं करते ऐसे, रखो इसे। चलो यहाँ से चलते हैं, बाहर बैठ के बात करेंगे। जब भी वो मेरे सामने से गुजरती है, लगता है उससे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता मेरे भाई। एक बात याद रखना, तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ कुत्ते की तरह भौंक सकते हैं, काटने के लिए दम होना चाहिए। यही मार कर दफना दूंगा तुझे, समझा? फिल छोड़ दो इन्हें, वरना मैं तुम्हारे सर में गोली मार दूंगा।